या फिर ट्रेन की टिकट ले लिया अभी जाते हैं। ट्रेन भी आ गई है, चलो भैया अपन ट्रेन पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी अपन वाशी पहुँचेंगे, वाशी। वाशी में एक्स्ट्रा ब्रिज का काम चालू है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा ब्रिज यहाँ पे एक और बनाया जा रहा है। एक पुराना ब्रिज है और एक जो मोमेंट वाला ब्रिज चल रहा है वो एक ब्रिज है, और एक ब्रिज अभी एक्स्ट्रा इसमें बनाया जा रहा है, तो उसका काम चल रहा है। ये सब पिलर्स जो दिख रहा है आपको छोटे छोटे, वो सब पिलर्स हैं, ये सब पिलर्स नए नए पिलर्स डाले जा रहे हैं। तो यहाँ से भी एक सेकेंड ब्रिज बनेगा, जैसे कि वसई क्रिक पे बन रहा है, ये वाशी क्रिक पे भी बन रहा है। तो जो फाउंटेन के यहाँ पे बहुत दबा के ट्रैफिक होता है, यहाँ पे हाल अभी फ़िलहाल तो वैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एटलीस्ट मूविंग रहता है। तो बस अभी मैं बेलापुर की तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी स्टेशन आएगा वाशी। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, डेढ़ बज रहा है दोपहर के, और अपन क्रॉस कर रहे हैं वाशी क्रिक। अरे भैया बलंडर हो गया, बलंडर। अबे ये है सीवुड स्टेशन, अपन उतर गए इसको बेलापुर समझ के, बलंडर ही हो गया, बहुत बलंडर हो गया। अभी वापस से ट्रेन पकड़ेंगे और दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे, इसके बाद है बेलापुर। हाँ तो बोल ले भाई, बेलापुर स्टेशन पहुँच गए अपन। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बेलापुर में, और किस लिए आया था बेलापुर में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। तो हम काम के लिए आए हैं इस बीस्ट के, देखिए ये बीस्ट जो हमने लिया था इंटरसेप्टर, तो ये इंटरसेप्टर के काम के लिए हम आए हैं। अभी इसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही जाने पहचाने सचिन और किरण जिनका वुरूम स्टोर है, उनके वुरूम स्टोर में जा रहे हैं यहाँ से एरोली। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो बस चलते हैं अभी सीधा एरोली, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में डायरेक्ट एरोली पे। और अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वहाँ भी दिखा देंगे आपको। दोस्तों अभी हम लोग बेलापुर से निकल गए हैं, और ये दोनों हेलमेट मैंने भी इसीलिए घर से हेलमेट लेकर आया था, ताकि अभी रूल्स आ गया है दो हेलमेट का, तो दो हेलमेट पहना करो, सेफ्टी पहना करो, रूल्स है खाली पैसे हमको फाइन देना है ये बचाना है, उसके चक्कर में मत पहनो, एक अच्छा सा हेलमेट खरीद दो ताकि आपका सर भी बचा रहे, खाली फाइन बचाने के चक्कर के लिए मत करो हेलमेट, ठीक है ना। जाने के बजाने पॉइंट है यहाँ पे, अगर वहाँ पे फ्लेमिंग को दिखे तो आप लोगों को भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ये है बेलापुर की गलियां, ये देखो फ्लेमिंग को, कितने सारे फ्लेमिंग इतना बड़ा लेक है, ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक खाली फ्लेमिंगो ही फ्लेमिंगो है। आई होप आप लोगों को अच्छा व्यू आ रहा होगा, ये पूरे लेक में आप लोगों को फ्लेमिंगो ही दिखेंगे। अभी का टाइम क्या है कि भर्ती चढ़ी हुई है, यहाँ पे पानी आया हुआ है, तो ये पूरा खाली होता है शाम में, तो आई थिंक ये शाम में अगर खाली हो जाएगा तो और भी नज़दीक जाके करीब जाके हम लोग देख सकते हैं। तो बस ये फ्लेमिंगो को दिखाने का था आप लोगों को, तो फ्लेमिंगो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को फ्लेमिंगोस कैसे लगे, ठीक है। तो फिर जुड़े रहे चैनल के साथ में, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से एरोली के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो समीर भाई ने भी अभी बताया है मुझे ये फ्लेमिंगोस के बारे में, ये फ्लेमिंगोस अभी आप अगर देखोगे वीडियो में तो आप लोगों को कुछ कुछ व्हाइट और कुछ कुछ पिंक दिखते होंगे, तो ये पिंक इसलिए दिखते हैं कुछ कुछ, एक्चुअल में ये व्हाइट होते हैं, मगर ये पिंक इसलिए दिखते हैं ताकि, क्योंकि वो लोग खाते हैं श्रिम्प, श्रिम्प करके वो मच्छी आती है वो खाते हैं, और वो डार्क होती है तो उसके वजह से उन लोगों का कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। वो श्रिम्प यानी झींगा हमारे लोकल लैंग्वेज में। ये ट्रक बंद पड़ गया है, और ये यहाँ पे बारिश जोरदार चालू हो चुकी है, बरसात में भी अफजल खान रिपोर्टिंग ब्लॉगिंग करते हुए देख सकते हैं बूंदाबांदी, सीधा सीधा ही हमको जाना है इस रोड पे, और बूंदाबांदी बहुत जोरों से हो रही है, तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद डायरेक्ट स्टोर। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वुरूम स्टोर के पास में, यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी गई है और यहाँ पे कुछ बाइक्स और हैं, तो अभी अपन चलते हैं अंदर, जो जो चीज़ें अपने को चाहिए देखते हैं क्या मिलता है, जो चीज़ सोच के आए वो सब चीज़ मिलेगा, तो वो सब चीज़ यहाँ पे लेके
लगा लेंगे। ये है डब्बे की रिक्वायरमेंट, तो अभी ये देख रहे हैं हम लोग ASG का डब्बा, ये तो डब्बा बैठ जाना चाहिए। ये 32 लीटर का देखा है अभी हम लोगों ने, अभी ये समझ में आता है क्या, देखते हैं इसको फिटिंग करेंगे। उसके बाद अभी चेक कर रहे हैं ASG का 40 लीटर का, ये हेलमेट डाल के भी चेक कर लेते हैं कितना स्पेस बचता है। ये है 40 लीटर, ये ऐसा भी ऐसा बस तो क्या ऐसा बसना ना, सरवाना बसना ना, सरवाना बसना ना, ठीक है नहीं है बड़ा स्पेस बसना दीचा मतलब वर्टी पन स्पेस है बन के लाने थी ये बड़ा स्पेस वर्टी पन है। ठीक है ये है 40 लीटर, 2 लीटर्स वाले में कट टू कट बैठेगा और इसमें जो है थोड़ा स्पेस रहेगा, तब ये दोनों में से डिसाइड करते हैं। एक्चुअली में बहुत छोटा है, उसको कट करना पड़ेगा साइड से, तब जाके उसमें 40 लीटर्स का जो बॉक्स है वो बैठेगा, तब वो कट करना पड़ेगा। फिर बाद में उसमें जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी है, वो लाइट्स भी लगाने के लिए फिर यहाँ पे इन हाउस में नहीं है, मतलब कुछ और दूर जाके हम लोगों को वो सब फिटिंग विटिंग करवानी पड़ेगी। स्टोर तो बहुत अच्छा है इनका, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था आने का यहाँ पे, एटलीस्ट स्टोर तो देख लिया, तो स्टोर बहुत अच्छा है, यहाँ पर सर्विस भी बहुत अच्छी है, बंदे लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोगों ने अच्छे से कोऑपरेटिव केयर के अपने को सब कुछ सही से बताया है यहाँ पे, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए आपका, कहाँ पे पैसे सेव करने चाहिए, वो सब भाई ने अपने को बता दिया। इसको कट करो, ये लगा लो, ये दिया है तो ये ले लिया गया है, दो आइटम ले लिया गया है, और ये चीज़ जो है ये हम लोगों को यहाँ से मिला है। अभी फ्री में, अभी ये ले रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये फ्री में ले रहे हैं, ये भाई डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से ये ले लिया है, ठीक है। अभी बाकी जो था आइटम जो दिखाया था आप लोगों को वो सब बाद में लेंगे, क्योंकि अभी प्राइसिंग का वो समझ में नहीं आ रहा है, प्राइसिंग का थोड़ा इशू है, तो फिर प्राइस का देखते हैं, और प्लस उसका जो रैक का है वो भी कटिंग करके बॉक्स बिठाना पड़ेगा, तो ये सब इशू है, तो वो सब इशू को कंप्लीट करके उसके बाद में फिर हम लोग पूरा कर देंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। हो गया है 4,450 पैसा, नहीं 4,499। अच्छा हाँ, तो इतने का बिल हुआ है हम लोगों का, दो आइटम का। तो अभी हम लोग एरोली से निकल के आ गए हैं देवनार छोटू भाई के पास, ये है हमारे छोटू भाई मैकेनिक, अभी इनके पास आए हैं, ये दो सामान वहाँ से लिया था, अभी ये छोटू भाई यहाँ पे आके इसको लगा देंगे, और बाकी इसमें लगाने का है लाइट, तो लाइट का भी बातचीत चल रही है अभी समीर भाई की उसके साथ में, कि लाइट कहाँ लगाएंगे, बटन कहाँ लगाएंगे, तो अभी जो भी काम है पूरा छोटू भाई करेंगे इसका काम, और इसका जो कटिंग का है इसको कटिंग करके यहाँ से इसको निकाल देंगे, इसको कट करके ये वाले पार्ट को, फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर टॉप बॉक्स आ जाएगा, तो टॉप बॉक्स के लिए अपन जाएंगे कल, तो अभी ये सब जो काम है छोटा मोटा ये अभी छोटू भाई जो है ये काम को यहाँ पे पटा देंगे। वो वहाँ पे जा गए थे हम लोग यहाँ पे उरुम स्टोर में, तो उरुम स्टोर में क्या है सामान तो ठीक ठाक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है सामान वहाँ पे, तो अभी कैसा है अपन उतना पैसा क्यों स्पेंड करने का, तो उसके लिए वहाँ पे जो है मैकेनिक जो काम कर रहा था, बंदा जो लाइट लगाता है या जो भी इंस्टॉलेशन करता था, उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा था, तो ये बंदा अपने यहीं का ही है, अपन यहीं रहते हैं नज़दीक में, तो ये बंदा अपने को अच्छे से लाइट वाइट जो भी है कम प्राइस में अच्छी कंडीशन वाली लाइट जो भी है वो दे देगा, और प्राइस भी ज़्यादा लेगा नहीं फिटिंग करने का, वायरिंग करने का कुछ भी, इसलिए अपन इसके पास आ गए हैं। तो अभी छोटू भाई जो है वो यहाँ पे अपना पूरा काम टोटल कर देंगे, ठीक है ना, तो अभी जो भी चार्जेस होता है क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो छोटू भाई ने अभी इसको फिटिंग कर दिया है, ये मोबाइल होल्डर लग गया है, अभी ये USB होल्डर लग रहा है यहाँ पे, इसका वायरिंग जो है ये वायर लटक रहा है, ये वायर जाएगा इसके अंदर और ये हो जाएगा फिट, फिर इसके बाद में अभी लाइट का डिस्कशन चल रहा है, हम लोग ढूंढ रहे हैं मैडडॉग का लाइट, अब उसका डिस्कशन चल रहा है, लाइट का भी कुछ हो जाता है फाइनल तो लाइट भी लग जाएगी आज ही, ठीक है, और अगर नहीं लगेगी तो फिर कल का दिन और ऐड हो जाएगा, फिर वो भी इस वीडियो में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो जुड़े रहे। और ये वाले को कट करके जो भी काम है वो भाई ये पूरा कर देंगे, ये हार्नेस जो है इसकी हार्नेस की फिटिंग जो है अभी इसमें पूरी कंप्लीट लग जाएगी, लाइट का बटन लग जाएगा, और ये है मैडडॉग का चेंज करने का, जो लाइट चेंज करते हैं ये वो सिस्टम है, और ये हार्नेस है भाई के हाथ में जो है वो यहाँ पे अभी पूरा जाके फिटिंग कर देंगे भाई साहब, अभी डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन है ये, कुछ काटने का नहीं, कुछ पिटने का नहीं है ना भाई, और इसका मटेरियल भी देखो बहुत अच्छा है, वायरिंग का मटेरियल ख़राब होने वाला मटेरियल नहीं है, बहुत बेहतरीन मटेरियल है, इसका भी बहुत अच्छा मटेरियल है, उसका प्राइस मैं आप लोगों को बताऊँगा बाद में। मैडडॉग का बटन लग गया है, ये लग गया है, USB का ये लग गया है, और इसका काम हो गया है वायर हार्नेसिंग का, ये देखो हार्नेस वायर इधर है, अभी खाली बस लाइट आने की है, और लाइट वहाँ पे लग जाएगी, सब वायर छोड़ दिया गया है उसका, 10 मिनट का उसका काम है,
लाइट लग जाएगी और ये जो है जहाँ पे हाथ रखा हुआ है ये कटिंग होने का बाकी है, तो वो कट हो जाएगा, उसके बाद में गाड़ी हो जाएगी रेडी। तो अभी छोटू भाई रेडी हो चुके हैं कटर के साथ, इसका कार्यक्रम हो गया फिनिश। करने के बाद में इसको पैक कर दिया है। किस चीज से पैक किया भाई इसको? रबर से। अच्छा, चार्जर माउंटिंग का जो रबर आता है वो रबर से इसको पैक कर दिया है। कटिंग भी हो गया, लग रहा भी नहीं अभी कि कटिंग हुआ है करके। ठीक है, तो छोटू भाई ने एकदम मस्त फिनिशिंग में काम कर दिया। अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सामान वामान कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि जो लाइट का ऑर्डर किया वो लाइट अभी तक आया नहीं है। जब तक हम लोग दो तीन काम है वो काम पटा के आते, कुछ मिठाई लेनी है मिठाई लेते हैं, और जाते क्रोमा में फ़ोन देखना है वो फ़ोन देखते हैं। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं उधर, रिक्शा पकड़ते हैं और आ जाते हैं। चलो रिक्शा लेंगे, उधर से लेंगे। चलो तो रोड क्रॉस करते हैं उस तरफ और लेते हैं रिक्शा और जाते हैं। सब कुछ काम छोड़ के अभी हम लोग रिक्शा में हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग मिठाई लेने, इसका बेटा पास हो गया है इसके लिए ये भाई मिठाई दिला रहे हैं हम लोग को। अभी हम लोग आ गए हैं झामा, इसका देख रहे हैं हम लोग मिठाई कौन सा लेंगे। वाह, स्काउट एक्स। ओके, तो ये यहाँ पे मैट डॉग की एक स्काउट एक्स लाइट जो है, हाँ ये वाली लग गई है। भाई साहब ने पूरा फिटिंग सब कुछ कर दिया हम लोग के आने तक। तो बस बाइक अपनी फुल टू फटांग रेडी हो चुकी है। ठीक है, अभी इसका जो जो है मैं प्राइजेस आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा क्या क्या इसमें खर्चा आया है। ये सब लग गया है, इसके अंदर जो कुछ लगना था लाइट्स लग गई है, सब कुछ लग गया है। और अभी यहाँ से बाइक ले रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से अभी हम लोग घर की ओर, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ काम है वो करेंगे कल। कल टॉप ऑक्स का काम है और मैकविल का काम है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कल ग्रैंड रोड। तो आज सुबह से मैं गया हुआ था बेलापुर से हम लोग गए बाइक लेके एरोली, एरोली से हम लोग आए वापस चेंबूर। अभी ये सब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, अब भाई यहाँ से जाएंगे बाइक लेके घर पे, मैं यहाँ से बस पकड़ के जाऊँगा अपने घर पे। ये समीर भाई जाते हुए, और अभी अपन जाते हुए यहाँ से बस स्टॉप की ओर, यहाँ से पकड़ेंगे हम वहाँ से बस उस तरफ से चलेंगे घर, और फिर हम मिलेंगे आपको वीडियो में कल।